जहान है, चाहे फरिश्तों का जहान है, चाहे जिन्नों का जहान है, चाहे इंसानों का जहान है, इसमें रोसों कुतुबों का जहान है या तुम्हारा अवाम का जहान है, मेरा महबूब तो सबका सरदार है। कुरान पाक में ऐलान फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा रहमत बना के भेजा है। क्या ख्याल है भाई, नबियों के जहान सबसे आला जहान है, नबियों का जहान सबसे ऊंचा जहान है, लेकिन मेराज वाली रात उस जहान के सारे लोग एक मस्जिद में अल्लाह ने जमा कर दिए और मुसल्ले पे कौन मेरे और आपके आका, यानी सारे नबियों की सरदारी का ताज मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के सरे अनवर में सजा दिया और ये शान दे दी। फरमाया, ऐ महबूब, हमें पता है जब आप जाएंगे ना दुनिया में, पहले नबी सारे आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी आ चुके होंगे, लेकिन आपके बाद किसी नबी को हम इसलिए नहीं भेजेंगे, सबको पहले भेजेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब आप जाके फरमा देंगे ना, फिर उससे अच्छा फरमान किसी के पास है ही नहीं, उससे अच्छा फरमान किसी के पास है ही नहीं। तो जब सरकार फरमान जारी कर चुके हो, अब किसकी मजाल के कोई और आके मिंबर पे बैठ के वो खुतबा दे नबी बनकर, इसलिए अल्लाह ने पहले ही फैसला कर दिया, महबूब जब जाएंगे जिस जिस को हमने भेजना पहले ही भेज लेंगे, वो अपनी अपनी तकरीरें कर लेंगे, अपने अपने पैगाम दे लेंगे, अपना अपना अखलाक और किरदार दिखा लेंगे। बेशक हर एक का फरमान आलीशान, हर नबी का किरदार आला, हर नबी की बात सबसे बेहतर, चूंकि उम्मत में नबी से आला बात करने वाला कोई होता ही नहीं, तो हर नबी ने अपने अपने दौर में एक से एक प्यारी बातें कर ली, अपने किरदार दिखा लिए, हर नबी एक से एक पर के शान लेके आया। लेकिन अल्लाह को पता है जब मेरा महबूब जाएगा उनका तो अखलाक भी अजीम। सुभान अल्लाह भाई, अल्लाह ने खुद कुरान में ऐलान किया ना, वह इतना का इन्ना का, अल्लाह हुजूर से फरमा, हमसे नहीं बात हो रही है कुरान, लेकिन हमसे नहीं बात हो रही, हमें हुक्म है तुम तिलावत करना, हमें हुक्म है तुम ये आयत पढ़ना, हमें हुक्म है इसको पढ़ के गुलामी में और आगे बढ़ना, हमें हुक्म है इसे पढ़ के अपने ईमानों को और जिला बख्शना, हमें हुक्म है इसको पढ़ के सीने मुनव्वर करना, हमें हुक्म है इसको पढ़ के अखलाक वाले बन जाना, लेकिन हमसे बात नहीं की। उधर ये फरमाया वह इन्ना का, ये का जो है ना, का जमीर अरबी जबान में यू के माने में है, हाजिर की जमीर है, खिताब की जमीर इसको कहते हैं, यानी जिस तरह किसी कहना आप, अल्लाह कह रहे वा इन्ना का, ऐ महबूब आप जो है ना, आप अला खुलुकिन अजीम, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सबने अखलाक पेश किया और बड़ी शान उनकी है, बड़े बड़े अखलाक उन्होंने पेश किए, लेकिन ऐ महबूब इन्ना का ला अला खुलो के नदीम तेरी क्या, ऐ महबूब तेरी कोई मिसाल नहीं, कोई चलेंगे भाई, हम बाद में बने, आसमान पहले बने,
ہم بعد میں بنے، سورج چاند پہلے بنے. کیوں؟ بارش کی ہمیں ضرورت ہے وہ پہلے اللہ نے بنا دی، ہوا کی ہمیں ضرورت ہے وہ پہلے چلا دی، سورج کی ہمیں ضرورت ہے وہ پہلے بنا دیا، ہمیں زمین کی ضرورت ہے وہ پہلے بنا دی. اور اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو خوراک کی ضرورت ہے، پیدا ہوتے ہی اسے کھانا پینا ہوتا ہے. تو اللہ نے بچے کو پیدا کیا، لیکن اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی خوراک ماں کی چھاتی میں بنا دی. یہ بات ہم مانتے ہیں، اس پہ جھگڑا کوئی نہیں، اختلاف کوئی نہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے کوئی نہیں، کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں. تو پھر اگلی بات بھی خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو جب ماں پہلے ہے بیٹا بعد میں ہے، زمین پہلے ہے ہم بعد میں ہے، سورج پہلے ہے ہم بعد میں ہے، ہوا پہلے ہے ہم بعد میں ہے، تو جب جو چیز ہمیں چاہیے وہ پہلے ہے ہم بعد میں ہے، تو جو کائنات بنی حضور رحمت للعالمین، تو ہر ہر جہان بعد میں ہے حضور پہلے. ماشاء اللہ مبارک ہو، مبارک ہو. ہمیں پہلے کبھی امید تھی کہ آج کی رات ہماری شامل ہے، الحمدللہ پہلے کی طرح ہر سال ہمیں اس محفل میں پیغام آتا ہے کہ جس کا ذکر کر رہے ہو نا، ان کے مہینے کا چاند جلوہ گر ہو گیا. سبحان اللہ. وہ چاند خبر سنتے ہی خوشبو آ گئی. اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں، آپ فرما رہے ہیں ان کی میری انٹرسٹنگ اور لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس اردو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور یہ بالکل فری ہے.